अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जमात अहमदहम की दानिबा, आज आपको मौजूदा सूरत हाल के तहत ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारी जो क्लास है वो सूरत अनफाल का जो हम आज आयात पढ़ेंगे, आयात नंबर 70 और 71 यानी 70 और 71, यानी जो बाब हमारा है वो 840 उसका जीम है और ये इस सूरत का आखिरी बाब है, आखिरी रुकू है। इस तरह हमारी सूरत मुकम्मल हो जाएगी। इब्तदाई आयत को पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नबियु कुल लिमन फी अय्दीकुम मिनल असरा। ए नबी, तर्जुमा भी आप यहाँ भी देख सकती हैं और तर्जुमा यहाँ पर कर रही हैं उसको भी, इस पर भी तवज्जो दीजिए। ए नबी, आप कह दीजिए जो आपके कब्ज़े में हैं उनसे यानी कैदियों से, इयालमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरा, कि अगर अल्लाह तआला जानेगा तुम्हारे दिलों में भलाई को, युक्तिकुम खैरा मिम्मा उखिदा मिनकुम, तो वो तुमको उससे बढ़कर जो तुमसे लिया गया है उससे बढ़कर भलाई देगा, दिया दे दी जाएगी। वो यग़फिर लकुम, और तुम्हें बख्श दिया जाएगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाले मेहरबान हैं। अच्छा, अब हम इस आयत के बारे में बात करते हैं। ये जो आयत है ये बदर के कैदियों के बारे में है, और बदर के जो कैदी हैं, गज़वा बदर में जो कैदी कैद हुए थे उनसे फ़दिया लेकर उनको आज़ाद कर दिया गया था। तो यहाँ पर यही मुराद है कि जो फ़दिये की रकम उनसे ली गई थी तो अल्लाह ताला उनमें भलाई को देखेगा। तो यहाँ पर खैरा से जो मुराद है वो इस्लाम है, यानी कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत देखी और वो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो जो फ़दिये की रकम उनसे ली गई थी उससे बदले में उनको उससे बढ़कर दिया जाएगा, ना सिर्फ ये भी दिया जाएगा माल बल्कि उनको बख्श भी दिया जाएगा। बख्शने का मतलब ये कि जो इस्लाम से पहले जितने भी गुनाह किए गए थे वो तमाम सगीरा व कबीरा गुनाह बख्श दिए जाएंगे, माफ़ कर दिए जाएंगे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, कि इस्लाम जो उससे पहले किए गए गुनाह हैं उनको गिरा देता है। तो इस्लाम लाने के बाद तमाम सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अब इस आयत के बारे में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत मेरे बारे में नाज़िल हुई। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और आप बदर के कैदियों में शामिल थे। न सिर्फ आप भी शामिल थे बदर के कैदियों में, और आपके दो भतीजे हैं वो भी शामिल थे। अच्छा, इसका थोड़ा सा पस मंज़र देख लें कि जब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का से अबू जहल के लश्कर के साथ रवाना हुए, तो रवाना होने से पहले उस रात को आपने अपनी अहलिया को कुछ माल दिया था हिफाजत के लिए, और उसे कहा था कि इसको हिफाजत के तौर पर अपने पास रखिएगा। और आप 700 गिन्नी सोना लेकर चले थे ताकि लश्कर में लश्करियों को ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर वो काम आ सके। फिर जब आप बदर के कैदियों में शामिल हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे मुतालबा किया फ़दिये का। अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे मुतालबा किया फ़दिये के रकम का, तो आपने फरमाया उनसे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि जो 700 गिन्नी सोना है जो दिया है उससे फ़दिये की रकम ले लें। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि वो जो 700 गिन्नी सोना हमने दिया है वो हमारा माल गनीमत है, आपको फ़दिये की अलग से रकम देनी पड़ेगी, न सिर्फ अपनी और अपने दोनों भतीजों की। तो हज़रत अब्बास ने फरमाया आपसे कि क्या तुम चाहते हो कि मैं कुरैश मक्का के सामने अपना कशकोल लेकर हाथ फैलाऊं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो माल जो आपने अपनी अहलिया को दिया था उस माल से आप फ़दिये की रकम दीजिए। तो फौरन ही हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये बात तुम्हें कैसे मालूम, क्योंकि वो जानते थे कि इस बात के बारे में वो और उनकी अहलिया जानती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे इस तमाम मामले की खबर कर दी। उसी वक्त हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हुई, और एक रिवायत ये भी आती है कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन आप उसका इजहार नहीं किया था इस्लाम का। कुरैश मक्का से क्योंकि आपका काफ़ी माल वापस आना था, इस वजह से हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने इस्लाम का इजहार नहीं किया। खैर, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने इस्लाम कबूल
कर लिया तो मुझसे फिदिये की रकम के तौर पर उस वक्त 20 औकिया सोना लिया गया था। और इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह ताला ने मुझे इतना माल दौलत दिया कि मेरे 20 गुलाम मुख्तलिफ जगहों पर तिजारत करते थे और हर गुलाम 20,000 दिरहम की तिजारत करता था, यानी उससे कम की तिजारत नहीं करता था। और फिर इससे भी बढ़कर अल्लाह ताला ने मुझे हजाज इकराम को आबे जमजम पिलाने का जो शर्फ है वो भी अता फरमाया, जो कि तमाम माल दौलत से बढ़कर एक बड़ी नेमत है। तो यहाँ पर ये जो आयत है इसका मजाक हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे इस आयत का जो मजाक है मैं हूँ कि मुझे इससे बढ़कर माल अता किया और फिर तमाम गुनाह भी बख्श दिए। ठीक है, अब अगली आयत है वो यूरीदुल खयानत का, अगर वो आपसे खयानत करना चाहें फ़क़द खानुल्लाह मिन क़ब्ल, तो उन्होंने अल्लाह से पहले भी खयानत की है, फ़अमकन मिन्हुम, बस अल्लाह ने उनको आपके कब्ज़े में दे दिया, वल्लाहु अलीमुल हकीम, बिलाशुबा और अल्लाह ताला जानने वाले हिकमत वाले हैं। इस आयत के बारे में यानी यह आयत किसके बारे में है कि यहाँ पर यह आ रहा है कि जो बदर के जो कैदी हैं कि वो अगर इस्लाम कबूल कर लें तो हो सकता है कि जो लोग हैं उनके दिल में ये ख्याल आए कि जो उन्होंने इस्लाम कबूल किया है हो सकता है ये मक्का वापस जाएँ तो ये इस्लाम से फिर जाएँ, तो अल्लाह ताला ने एक तरह से यहाँ पर एक वजाहत बयान कर दी कि अगर वो खयानत करना चाहें तो पहले भी वो अल्लाह ताला से खयानत कर चुके हैं, लिहाजा वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। तो यहाँ से एक तरह से बेफिक्र करना मकसूद है, इत्मीनान दिलाना मकसूद है कि अल्लाह ताला ने आपको उन पर क्या कर दिया, गालिब कर दिया और उनके उनको कब्ज़े में दे दिया आपके कैदियों के तौर पर। तो अब यहाँ पर क्या मुराद है कि अल्लाह ताला से पहले ख़यानत कर चुके हैं, उससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने तमाम अरवाह से एक अहद लिया था और वो अहद कहलाता है अलस्तु बिरब्बिकुम का, यानी कि क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ। तो तमाम रूहों ने एक ज़बान होकर कहा था बला रब्बीना, क्यों नहीं आप ही हमारे परवरदिगार हैं। तो ये अहद से मुराद यानी ये मुराद है कि जब इस अहद की खिलाफ वर्जी की इन्होंने, यानी बाद में अल्लाह ताला के साथ बुतों को माबूद बना दिया, शिर्क किया, नाफरमानी की, कुफर किया, अल्लाह के अहकाम को नहीं माना, तो यहाँ जब उन्होंने अल्लाह की खिलाफ वर्जी की है तो वो आपकी भी खिलाफ वर्जी कर सकते हैं, अगर तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, बिगाड़ तो वो सिर्फ अपना सकेंगे, जो कि नुकसान का मदार जो कुछ भी है वो उनका अपना होगा, क्योंकि आखिरत का जो नुकसान वो कर रहे हैं उसकी हकीकत वो समझते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। उम्मीद है गालिबा आज का ये जो सबक है कि जब भी हमने पढ़ा है ये दो आयात, इनका तर्जमा और इनके बारे में मुख्तसरन तफसीर, ये आपको समझ में आ गई होगी। इसी का जो बाकी आयात हैं और उसकी जो है वो इंशाल्लाह अगली उसमें हम पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ ही आप इसकी जो अल्फाज मानी हैं उनका मुताला कीजिएगा और उनके अल्फाज मानी को याद भी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।